मुरादाबाद के इकवानपुर दीवान शुगर्स मिल के जीएम केपी मलिक की अध्यक्षता में दीवान शुगर मिल परिसर में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार एवं एआरटीओ अनिल कुमार सिंह ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को एआरटीओ ने सड़क सुरक्षा के नियम बताए। उन्होंने बताया कि सड़क पर चलते समय सभी वाहन चालक अपने वाहनों पर पीछे लाल कपड़ा बांध कर रखें और अपने वाहनों पर आके रेडियम की पट्टी लगा कर रखें। रोड पर चलते समय अपने वाहनों में लाइट और ब्रेक का खास ध्यान रखें, जिस पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने भी किसानों को सड़क पर चलने के नियम बताए और बताया कि सड़क नियमों से हटकर वाहन चलाने पर दुर्घटनाओं को दावत देना है। सड़क सुरक्षा नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का वाहन चालक को जुर्माना देना होगा। दीवान शुगर्स मिल जीएम केपी मलिक ने भी किसानों को सड़क पर वाहन चलाते हुए सड़क सुरक्षा नियमों के पालन करने की अपील की और बताया कि सभी किसान भाई वाहन चलाते समय अपना और अपने दाएं बाएं चलने वाले वाहनों का खास ख्याल रखें। इसी को लेकर मिल सिक्योरिटी इंचार्ज कैप्टन नरेंद्र कुमार सिंह ने भी सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर कविता सुनाई और वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में पंत जी, मोहम्मद शाहिद, जितेंद्र कुमार, नितिन कुमार, अनिल चौधरी, मोनू सिंह, विपिन कुमार आदि लोग शामिल रहे। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत सभी ट्रैक्टर पे रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया और किसान भाइयों को एक्सीडेंट प्रूफ करने के लिए उनको समझाया गया कि आपको किस तरीके से चलना है और किस तरीके से कोहरे के समय में आपको क्या क्या यातायात नियमों का पालन करना है, ये सब बताया। सभी ट्रैक्टर ट्राली जो गन्ना ढुलाई कर रहे हैं पीछे लाल कपड़ा लगाएं अथवा LED लाइट लगाएं और निर्धारित गति सीमा में ही चलें, और अगर कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई गाड़ी आ रही है तो पहले उसको साइड लाइन दे, इसके बाद चलना। कि अगर रिफ्लेक्टर लगाते नहीं हैं तो इसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है, इसका जुर्माना 10,000 रुपये। आज परिवहन विभाग द्वारा एक सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें उनकी कुछ गाइडलाइने और इंस्ट्रक्शन थे जो हमें किसानों तक पहुंचाने थे, और ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि होता ये है कि जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो बाद में बड़ा पछतावा होता है कि काश ये हम कर लेते। इसमें जैसे रिफ्लेक्टर हुआ, कपड़ा पीछे लाल कपड़ा लगाना, ये सभी जो है गाइडलाइनें उनके द्वारा दी गई थी, जो हमने किसानों को समझा के बहुत अच्छी तरीके से समझा और किसानों तक ये बातें पहुँचाई। अधिकारी उपस्थित थे, इसमें परिवहन विभाग के सभी अधिकारी थे, अपने TI साहब थे और मेरे गन्ने से रिलेटेड जो है सभी अधिकारी वहाँ उपस्थित थे।